तो गाइस बहुत लोग कमेंट करते हैं कि जो जो भी इसे प्राइवेट से आईटीआई करते हैं तो वो क्या रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत लोगों का कमेंट आया हुआ है तो इसलिए सोचें कि एक वीडियो आने की पूरा डिटेल से जानकारी बता दें कि एनसीबीटी और एससीबीटी ये दोनों कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सरकारी आईटीआई वाले और इधर हो गया प्राइवेट आईटीआई वाले, यानी कि ये दोनों कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो प्राइवेट रहे या सरकारी रहे, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो यानी कि जो ट्रेड आप लोग किए रहेंगे ना उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कि आपको वहाँ पे ये लिखा रहेगा। हालांकि लिखा रहता है भाई, आईटीआई का नाम लिखा रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ट्रेड केवल होना चाहिए, कोई भी ट्रेड, ठीक है, कोई भी ट्रेड आप लोग कीजिएगा तो आपका यानी कि कहीं से भी रेलवे से ही नहीं कहीं से भी आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं और कोई भी आईटीआई चलेगा आपका, चाहे सरकारी रहे या प्राइवेट रहे। और बात करते हैं एनसीबीटी और एससीबीटी का, तो देखिए आप जितना भी जगह निकल रहा है ना, अब हर जगह इनकी एनसीबीटी कर दिया गया हर यानी कि आईटीआई को, और जितना जगह भी निकल रहा है वहाँ पे दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, एससीबीटी और एनसीबीटी, ठीक है। अगर कहीं कोई नोटिफिकेशन में अगर लिख दिया कि केवल एनसीबीटी वाला अप्लाई कर सकता है तो वो बात का बात हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा तो अभी तक हम नहीं देखे कि वो जो है सिर्फ यानी कि एनसीबीटी वाला ही यानी कि अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इसके पहले भी मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जानकारी पर विश्वास क्यों करना होगा, क्योंकि मैं भी यानी कि कर रहा हूँ अप्रेंटिस, ठीक है, रेलवे से ही से इलेक्ट्रिक लोकोशेड भिलाई से, और अभी मैं तुरंत आने की ड्यूटी से आया हूँ और एज भी बैठ करके यानी कि देखा आप लोगों का कमेंट, तो सोचे कि यानी कि बना देते हैं, बता देते हैं आप लोगों को और आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जानकारी आप लोग देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये याद रखना पड़ेगा ताकि यानी कि कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों के मन में, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है इसके कारण, इधर उधर कमेंट करते रहते हैं और बहुत लोगों का जवाब नहीं भी मिल पाता है, ठीक है। तो ये यानी कि कोई भी अप्रेंटिस कर सकता है, कोई भी ट्रेड वाला, कोई भी आईटीआई वाला, ठीक है, ऐसा नहीं है। केवल उस ट्रेड में वैकेंसी निकलना चाहिए यानी कि सीट निकलना चाहिए और बस आपका लिस्ट में नाम आना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि यानी कि एक जो है अप्रेंटिस फॉर्म भरने से लेकर के यानी कि आईटीआई पास करने से लेकर के पूरा एकदम डिटेल्स में आपको जो है ज्वाइनिंग तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जनरेट होना, पूरा अप्रेंटिस खत्म होने तक एक पूरा यानी कि वीडियो यानी कि बना दूंगा, ठीक है। लगभग बहुत सारा पार्ट बाय पार्ट रहेगा और एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, जिससे यानी कि कोई भी नया लड़का रहेगा ना तो देखेगा तो उसको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मेरा 10 महीना लगभग कंप्लीट होने वाला है, अभी 28 तारीख आएगा ना, 28 तारीख को मेरा मानी कि 28 जुलाई को मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो 28 तारीख आएगा तो मेरा 10 महीना हो जाएगा, ठीक है, और 2 महीना बचा हुआ है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो चलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको इधर उधर कमेंट करने का जरूरत नहीं है और आपको ये वाला बात जो है याद रखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।